से मिठा चारा फिर मैंने सिखा पदंग्स मादिया। रमेश कटके सर, जय भीम नवोदय सर। सर आपका कॉन्सेप्ट है, आप शुरू करें सर। सभी साथियों को नमोदय, जय भीम। आज 220 लोग उपस्थित हैं। कल के कंसेप्ट में भी मुझे कुछ कहना था, लेकिन कल रात 11 बजे तक मेरी मीटिंग चली। आज भी हमने 2 अप्रैल 2022 का जो नागपुर का जो समन संघ का जो समिट है, उस प्रोग्राम की दिन भर मीटिंग ली और सारी बातें आज तय कर ली है। कुछ बातें मैंने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पर भी डाली हुई है और उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। दूसरी बात है कि आज विद पीपल समन संघ से हम लोग पिछले 10-11 महीने से जुड़ रहे हैं, तो इसमें हर दिन आपको कंसेप्ट बताया जाता है। हर कोई साथी आता है, कोई महिला हो या हमारे साथी हो, अपने अपने ढंग से कंसेप्ट बताते हैं। लेकिन जैसा कि अभी परियार सर ने कहा कि इसका मेन फोकस है कि हमको जुड़ना है और लोगों को जोड़ना है। आप कहोगे कि इतनी दो ही शब्द वाली अगर बात है तो इसमें क्या ऐसा ज्यादा है, लेकिन यही बात है जो हमको जोड़े रखती है, हमको अच्छा इंसान बनाए रखती है और इस देश का निर्माण भी करती है। इतनी सी बात है, दिखने में तो छोटी सी और बड़ी ऐसी महसूस होती है कि ये भी क्या बात होगी कि जुड़ना और जोड़ना है, लेकिन यही जुड़ने और जोड़ने की थ्योरी ने दुनिया के कई लोगों को जोड़ दिया है और दुनिया में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लाए हैं। इतिहास में हम देखते हैं कि तथागत बुद्ध के पहले भी संघ बना था, लेकिन बुद्ध आने के बाद वो संघ जो स्कैटर्ड था इधर उधर, बुद्ध ने उसको एक ढांचे में डाल दिया। बुद्ध ने इतना अच्छा अच्छा तरीके से उस संघ को ढाल दिया कि सम्राट अशोक को अपनी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन या राजकीय क्रांति करने के लिए बहुत बड़ा ग्राउंड तैयार कर लिया था बुद्ध की सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति ने। उसके बाद सम्राट अशोक के काल तक वही संघ जो है वो एशिया महाद्वीप तक फैला था, एशिया खंड तक फैला था, और उसकी उसकी ही जो जड़ें थी, हमारे जितने भी महापुरुष है, चाहे संत कबीर हो, ज्योतिबा फुले हो, या पेरियार रामास्वामी नायकर हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, शाहू महाराज हो, संत रविदास हो, ऐसे सारे लोगों ने जो भी कोई समन संघ की आइडिया हमको दी है उनके उनके जमाने में, वो निचोड़ में तथागत बुद्ध ने जो संघ की आइडिया दी थी उसी का ही रिपीटेशन था। और हमें भी कुछ ज्यादा और नहीं करना है, जहां जो बात पिछले हजारों सालों से हमारे बीच में आती है, लेकिन कुछ कारणवश हम लोग उस बात को भूल जाते हैं और इसीलिए हम सारे जीवन के तरीके से पिछड़ जाते हैं। हम सामाजिक तौर पर इकट्ठा नहीं होते तो हमें सांस्कृतिक तौर पर इकट्ठा होना मुश्किल हो जाता है, तो फिर हम आर्थिक तौर पर इकट्ठा नहीं होते हैं, और सांस्कृतिक सामाजिक और आर्थिक तौर पर इकट्ठा नहीं होने की वजह से हम लोग राजकीय तौर पर इकट्ठा नहीं होते हैं। इतनी निचोड़ की बात है विद पीपल समन संघ में इकट्ठा आने में, जुड़ने और जोड़ने के कंसेप्ट में। तो आज 19 तारीख है, 19 मार्च 2022 में हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन आज का दिन हमारे लिए बहुत ही क्रांतिकारी दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 19 मार्च 1927 में 1927 में बाबा साहब अंबेडकर ने महाड़ के संग्राम भूमि पर आज का पानी का आंदोलन चलाया था, जो कि ह्यूमन राइट का सबसे बड़ा इस दुनिया का प्रोग्राम माना जाता है, आंदोलन माना जाता है। 19 मार्च 1927 को बाबा साहब के साथ 5000 लोग, ज्यादातर लोग महाराष्ट्र थे, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से और उस साउथ इंडिया से भी बहुत से लोग बाबा साहब के 1927 के प्रोग्राम को, पानी के आंदोलन को, केवल पानी का आंदोलन ही था, ह्यूमैनिटी को, मानवता को जागृत करने का एक बड़ा आंदोलन बाबा साहब ने चलाया था, उसका आज दिन है। 19 मार्च और 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने जो क्रांति की थी महाड़ के पानी के संग्राम में, उसको 20 मार्च को मानव मुक्ति दिन करके महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो इतना बड़ा दिन है 19 और 20 मार्च का कि जिससे हमको मानव मुक्ति का पहला जो पड़ाव है बाबा साहब ने शुरू किया था।
दूसरा है, आज ही के दिन में 19 मार्च 1928 को बाबा साहब अंबेडकर ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में महार वतन बिल दाखिल किया था। ये महार वतन बिल था क्या? तो छत्रपति शाहू महाराज जिन्होंने बाबा साहब को मूकनायक ये जो पत्रक है शुरू करने के लिए मदद की थी, उनको बाद में दूसरी बार लंदन जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए जाने के लिए कुछ पैसे की, चंदे की मदद की थी, और उन्होंने साथ ही साथ महार वतन बिल का ग्राउंड तैयार किया था, क्योंकि छत्रपति शाहू महाराज ने जो अस्पृश्य लोग थे महाराष्ट्र के और खासकर उनके करवीर कोल्हापुर के रियासत के जितने भी अस्पृश्य लोग थे उनको इक्वालिटी के लिए उनके बहुत सारे उद्योग खड़े किए, उनके लिए शिक्षा में 50% आरक्षण दे दिया, उसके बाद उनके ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत बड़ा काम छत्रपति शाहू महाराज ने किया था, और उसी विचारधारा को, उसी लोकतंत्र की आइडिया को बाबा साहब ने 19 मार्च 1920 को 28 को महार वतन बिल के रूप में, महार लोगों को जमीन मिल जाए या वतन जो है, जो भी मिलिट्री में काम करते थे या उनको गवर्नमेंट अच्छे काम के लिए कुछ बख्शीश देती थी, उपहार देती थी, तो वो उसको राइट मिले, इसीलिए महार वतन बिल आज के दिन 1928 में बाबा साहब ने लाया था। 19 मार्च 1940 में महारों में इतनी जागृति हो चुकी है, बाबा साहब का स्टेटमेंट है, बाबा साहब ने ये बात सभा में भी कही थी और बाद में जनता न्यूज़पेपर में भी आई थी। बाबा साहब कहते हैं कि मैंने जो 1927 से जो आंदोलन शुरू किया था उसका मकसद ये था कि लोगों को मानसिक तौर पर जागरूक करना। तो 1940 तक करीब करीब 13 साल में बाबा साहब कहते हैं कि महारों में इतनी जागृति हो चुकी है कि महार और ब्राह्मणों को ही इस देश की राजनीति पहचान में आती है, महारों में व्यवहार का ज्ञान जो है, कॉमन सेंस है, वो काफी बढ़ चुका है और वे सीलवान भी बने हैं, वो जानते हैं कि हमारा भविष्य किस चीज में निहित है और वो ये भी जानते हैं कि हमारा आंदोलन किस दिशा में जाना चाहिए। तो इतनी महत्वपूर्ण बात 1940 में बाबा साहब ने अपने ही आंदोलन के बारे में समीक्षा करते वक्त कही थी। बाबा साहब अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन चलाते थे और खुद उसकी समीक्षा भी करते थे और हम लोग कहाँ पर पहुंचे हैं ये भी बात बाबा साहब खुद बताते थे। उसी उपलक्ष में बाबा साहब ने 19 मार्च 1950 में 1950 में जब संविधान तैयार होना था, तैयार हो रहा था, उस वक्त बाबा साहब ने आज ही के दिन में संविधान में क्या क्या दुरुस्तियां होनी चाहिए, जो कि 21 फरवरी 1948 में बाबा साहब ने संविधान का मसूदा संविधान सभा के सामने रखा था, लेकिन जैसे जैसे चर्चाएं होती थी वैसे वैसे बाबा साहब उसमें दुरुस्तियां लगाते थे और वो संविधान सभा में पेश करते थे। तो आज ही के दिन चौथा कॉन्स्टिट्यूशन का जो जो बेस बनाया था, ड्राफ्ट बनाया था, उसमें दुरुस्ती का प्रावधान भी बाबा साहब ने कहा था और उसमें अस्पृश्यों के लिए, खासकर एससी एसटी और ओबीसी के लिए डेमोक्रेसी में, इस जो लोकतंत्र में क्या कुछ चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीजें करने से वे लोग इस देश के समान नागरिक बनेंगे, इसका प्रावधान इस चौथे अमेंडमेंट बिल में बाबा साहब ने आज के दिन 1950 में पेश किया था। तो बाबा साहब हर वक्त हमारे बारे में सोचते थे क्योंकि उनकी सोच में केवल अस्पृश्य लोगों की उन्नति यही एक विचार नहीं था। वे कहते थे कि जब तक इस देश में सामाजिक समता नहीं आती तब तक इस देश का लोकतंत्र ठीक नहीं होता और लोकतंत्र तब तक ठीक नहीं होता जब तक लोकशाही को या लोकतंत्र को मानने वाला हर नागरिक इस देश में पैदा ना हो। तो बाबा साहब कहते हैं कि लोकशाही में या लोकतंत्र में अगर हमको इस देश को नेशन बनाना है, राष्ट्र बनाना है, तो इक्वालिटी के लिए जो लोग पीछे पिछड़े हुए हैं सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर, तो उनको इसी दिशा में लाने के लिए उनको पुशअप देना पड़ेगा, उनको कुछ ऐसे सपोर्ट देने पड़ेंगे ताकि वो लोग मुख्य प्रवाह में आ जाएंगे और वो लोग भी इस देश को अपना देश मानेंगे। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि ये राष्ट्र तब तक निर्माण नहीं हो सकता
जब तक कि इस देश का आखिरी इंसान ये नहीं समझ पाता कि मैं भी इंसान हूं, मुझे भी मेरे मूलभूत अधिकार जो है, मेरे हक जो है, अच्छी ढंग से अच्छी तरीके से मिल रहे हैं। यही बात लेकर हम लोग आज विद पीपल में अगर सोचते हैं तो बाबा साहब ने जो सपना हमारे बारे में सोचा था, क्या ऐसी स्थिति आज आई है? पिछले 70-72 साल हो चुके हैं हम संविधान का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, संविधान का बेनिफिट भी उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने जो राष्ट्र का सपना देखा था, जो सामाजिक समता की बात कही थी, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, कल्चरल इक्वालिटी और बाद में पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात कही थी, क्या ये सारी इक्वालिटी की बातें हमने पाई है? तो आज हम लोग ये पाते हैं कि वैसा वातावरण, वैसी स्थिति आज भी हमारे समाज में खासकर SC ST OBC के लिए नहीं बनी है। तो इसका रीजन क्या है? तो बाबा साहब खुद कहते हैं कि ये रीजन के लिए एक ही चीज जरूरी है कि जब तक आप लोग संघ के रूप में इकट्ठा नहीं हो जाते हो और आपके मन में राष्ट्रीयता की भावना नहीं आ जाती है, तब तक आप खुद इस देश के हर चीज से, इस देश के हर हक 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 और हुकूक से जुड़े हुए ऐसे आप महसूस नहीं कर सकते। और अगर आप ये सामाजिक समता, आर्थिक समता और राजकीय समता आप अनुभव नहीं करते हो तो आपको इकट्ठा होकर आपका संघर्ष जारी रखना होगा। यही बात बाबा साहब ने बार बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में कही है और वे हर प्लेटफॉर्म पर यही बात को दोहराते थे। वही बात उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों के ध्यान में लाई। अंग्रेज बाबा साहब की बात समझते थे क्योंकि वे जानते थे कि इस देश में जो लोकशाही है या लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो केवल ऊपरी ऊपरी तौर पर ही है, समाज का केवल 3-4% हिस्सा ही उसका बेनिफिट उठाता है। इसीलिए डॉक्टर आंबेडकर जो बात कहते हैं वो सही और सटीक बात है। इसीलिए 1930 में जब दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो अंग्रेजों ने, रैमसे मैकडोनाल्ड ने हमको डबल इलेक्ट्रोड, डबल वोट का अधिकार दिया था। लेकिन उस वक्त यहाँ पर ऐसे भी कुछ लोग थे जो कि कांग्रेस में थे और खासकर गांधी जैसे लोग थे, वो आपको डेमोक्रेसी में लाना तो चाहते थे लेकिन उस डेमोक्रेसी के सारे अधिकार अछूतों के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो डेमोक्रेसी धर्म के साथ जोड़कर करना चाहते थे। तो यही फर्क बाबा साहब में और गांधी में और कांग्रेस में था। बाबा साहब इक्वालिटी इस देश के आखिरी नागरिक को लाना चाहते थे, उसको उसका फ्रेंचाइज जो है, उसका अधिकार है वो देना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस, गांधी और उस वक्त का जो सामाजिक वातावरण था वो सारा का सारा हमारे खिलाफ था। इसीलिए बाबा साहब का जो संघर्ष खासकर 1927 से 1956 तक एक ही चीज में निहित रहता था, वो था सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस मिले कैसा, इसी बात पर बाबा साहब कहते थे कि मैं हर दिन दिन रात इसी बात में सोचता रहता था कि इस देश में जो लोग उपेक्षित है, जो लोग वंचित है, उनको सोशल जस्टिस मिले कैसे। तो वो जस्टिस जब तक इस देश की डेमोक्रेसी में इक्वालिटी नहीं आती और वो पॉलिटिक्स में कन्वर्ट नहीं होती, तब तक इस देश का भवितव्य ठीक नहीं होता। और ये भवितव्य ठीक नहीं होने की वजह से चाहे संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसको चलाने वाले लोग अगर समता नहीं मानेंगे तो ये देश राष्ट्र नहीं बनेगा। और बाबा साहब इस देश के बारे में हो सकता अकेले ऐसे इंसान हो कि इस देश को जल्द से जल्द से एक राष्ट्र के रूप में बनाना चाहते थे, एक राष्ट्र के रूप में इस दुनिया में एक प्रगतिशील राष्ट्र बनाने की सोच रखते थे। तो यही संघर्ष बाबा साहब ने सारी जिंदगी भर कहा और बार बार ये कहते रहे कि इसके लिए आपको इकट्ठा होने की जरूरत है, अगर आप इकट्ठा नहीं होगे तो मैंने जो संविधान आपको दिया है इसका आपके लिए कोई महत्व नहीं रहेगा। और यही चीज है हम लोग पिछले 6-7-8 महीने से गंभीरता से सोच रहे हैं। तो ये सोचने के लिए हमको बाबा साहब ने दो चीजें दी है। संविधान जो दिया है वो प्रैक्टिकल है, संविधान केवल पढ़कर हमको कुछ नहीं मिलने वाला, संविधान में जो निहित तत्व है वही, उस निहित तत्व पर हमको काम करना होगा और उस निहित तत्वों को पहले समझने के लिए हमको इकट्ठा आना पड़ेगा। अगर हम लोग एक दूसरे को समझते हैं तो ही संविधान में जो अधिकार हमको मिले हैं उसका आचरण हम करते हैं,
और इसी आधार पर 1927 में जो बाबा साहब ने 19 मार्च को जो बात कही थी, इक्वेलिटी की, फैटर्निटी की बात कही थी, और हर चीज को, हर आदमी को जो इक्वल अधिकार देने के बाद उसको जो राष्ट्र निर्माण कहना है करना है उसकी बात वो करते थे, वो संभव तभी हो सकती है जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं हो पाते। तो इसी के संदर्भ में हम लोग, बाबा साहब ने जो बुद्ध का धम्म दिया था, बाबा साहब कहते कि बुद्ध का धम्म इसीलिए दिया है क्योंकि डेमोक्रेसी के साथ केवल बुद्ध का ही धम्म है जो हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर इस दुनिया का कल्याण कर सकता है। यही बात अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बुद्धिज्म के बारे में कही थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी किताब में लिखते हैं कि बुद्धा इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसमें और आगे वो कहते हैं कि रिलीजन ऑफ फ्यूचर विल बी विदाउट गॉड, ईश्वर के बगैर जो फ्यूचर का रिलीजन होगा वो होगा। और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों का महत्व धीरे धीरे जैसा विज्ञान की खोज ज्यादा मात्रा में हो जाएगी वैसा ईश्वर की और शास्त्रों की कल्पना पीछे चली जाएगी, और लोग ऐसे धर्म की खोज में रहेंगे जो कि धर्म इक्वालिटी को मानता है, डेमोक्रेसी को मानता है और साइंस को भी मानता है। और आइंस्टाइन आगे लिखते हैं कि इस आधुनिक काल में भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए यूनिटी की बहुत जरूरी है होती है, और यूनिटी केवल आपको बुद्ध के धम्म को अपनाने से ही आएगी क्योंकि बुद्ध धम्म विज्ञान से सुसंगत है। बुद्धिज्म हैज गॉट कैपेसिटी टू फुलफिल ऑल नीड्स ऑफ मॉडर्न साइंस। फिर वो लिखते हैं कि मुझे ये धम्म इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि जब मैं साइंस की बात करता हूं और बुद्ध की फिलॉसफी को मैं पढ़ता हूं तो मुझे दोनों भी बातें एक जैसी नजर आती है। इसका मतलब यह है कि बाबा साहब ने जो हमारे लिए चीज खोज कर दी थी, जो बुद्ध का धम्म था, वो इस देश को ही नहीं बल्कि इस दुनिया को महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, ऐसा धम्म बाबा साहब ने हमको दिया है। और उसी धम्म को लेकर और संविधान को लेकर हमको आगे का भविष्य, आगे का आंदोलन चलाना है। इसीलिए फिर से बाबा साहब कहते हैं कि आपको क्या करना होगा, तो बाबा साहब कहते हैं कि आप किसी से कंपेयरशिप मत किया करो, आप किसी से तुलना मत करो और किसी से ईर्ष्या भी मत करो। अगर आपको आगे बढ़ना है तो हरेक की पर्सनालिटी अलग अलग होती है, हरेक की ज्ञान की लेवल भी अलग अलग होती है, इसीलिए वो मुझसे पढ़ा लिखा है, वो मुझसे ज्यादा बात जानता है, मुझे कुछ भी नहीं आता, इसीलिए हमारी प्रगति नहीं हो सकती। इसीलिए किसी और से कंपेयर करना छोड़ दो, खुद की प्रगति, खुद अत्यधिप भव बनकर खोजने की कोशिश करो। और दूसरी बात वो कहते हैं क्योंकि हर इंसान किसी ना किसी से तो भी पीछे होता है और किसी ना किसी से तो भी किसी बात में आगे भी होता है, इसीलिए कंपेयर करना और किसी से ईर्ष्या करना, ये बात अगर आप छोड़ोगे तो बाबा साहब कहते कि संघ का रूप आप ले सकोगे। और इसी आधार पर बाबा साहब ने जो फिलॉसफी रखी है उसका ही निचोड़ हम लोग अभी प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि अभी आने वाले 2-3 महीने में हमारे बहुत करीब 4-5 बड़े बड़े प्रोग्राम लगाए हुए हमने, जैसे कि 2 अप्रैल में आज ही हमने करीब 4-5 घंटे की मीटिंग की, हमने वो पूरा ब्यौरा दिया है कि कितना खर्चा आएगा, आपके लिए व्हीकल्स की अरेंजमेंट क्या की जाएगी, आपको रहने की अरेंजमेंट होस्टेल्स या एसी हाउसेस, नॉन एसी हाउसेस, डॉर्मेट्रीज, इसका क्या प्रावधान होगा, ये सारी चीजें हमने आज कर ली है। और पेमेंट का डिटेल्स भी, लिंक जो भी हमने आज व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया है। तो मैं इसकी संक्षिप्त में बात करता हूँ कि नागपुर का जो प्रोग्राम है वो 1 तारीख को जो भी साथी आएंगे, वो साथी कुछ लोग मॉर्निंग में 3 बजे आ रहे हैं, करीब 7-8 लोग, कुछ लोग 11, 11:30 बजे और 12 बजे तक, करीब 97 लोग यहाँ पर पहुंच रहे। तो वहां पर हमने 2 50-सीटर एसी बसेस की व्यवस्था की है, जिनकी ट्रेन पहले आने वाली होगी जो कि 10:30 बजे या 11 बजे आएंगी, उनको हम लोग आधा घंटा उसी रेलवे स्टेशन पर रुकाएंगे ताकि दोनों बसेस एक साथ यहाँ पर आ जाए और आपकी एंट्री भी हो जाए और आपकी अच्छी सुविधा का हमको चांस भी मिले। उसके बाद अलग ट्रेन से आने वाले लोगों के लिए हमने 4-व्हीलर व्हीकल्स का भी अरेंजमेंट कर लिया है। और 1 तारीख को जैसे 2 बजे तक आपका लंच हो जाएगा, लंच के बाद दीक्षा भूमि के प्रोग्राम में आपको ले, दीक्षा भूमि पर देखने के लिए आपको ले लिया जाएगा।
और शाम का भोजन होने के बाद वहां पर जो 1 अप्रैल का जो हाउस लगता है हमारा हर महीने का, वो हाउस लगेगा, उसके लिए हमने एलसीडी डिस्प्ले भी वहां पर वहां की व्यवस्था कर ली है। उसके बाद 2 अप्रैल को ठीक 9:30 बजे हमारा मॉर्निंग का सेशन शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। उससे पहले जो भी साथी मेडिटेशन करना चाहते हैं तो वही प्रेयर हॉल में मॉर्निंग में 5:30 से 6:30 या 7:30 बजे तक मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और फिर 9:30 बजे से दिन भर जो प्रोग्राम किया है हमने, वो मिनट टू मिनट प्रोग्राम भी हम लोग 2-3 दिन के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। हमने अकाउंट नंबर, IFS कोड, बैंक डिटेल्स, जो कि नागलोक की एक संस्था है, उसका डिटेल्स भी हमने ग्रुप में डाल दिया है। और इसके बाद 3 तारीख को मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद चिचोली का जो बाबा साहब की चीजें वहां पर रखी है, वहां पर बसे और 4 व्हीलर से आपको पहुंचा जाएगा। दोपहर में 12 बजे के करीब फिर से नागलोक पर आने के बाद, लंच के बाद फिर दोपहर में आप लोग 3 जगह पर, जैसा ड्रैगन प्लेस है, धम्म भूमि है और एक आर्कियोलॉजिकल साइट है मनसर की, वहां पर ले लिया जाएगा। और शाम को फिर आपको खाना पैकेज में मिलने के बाद हम लोग आपकी सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध करा देंगे। तो ऐसा एक करीब 500 लोगों की सुविधा या 500 लोगों की व्यवस्था हमने कर ली है और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि नागपुर की मीटिंग में 500+ लोग आ जाएंगे, क्योंकि आज ही बाहर से आने वाले लोगों की, जिन्होंने रिजर्वेशन या बुकिंग कर लिया है, उनकी संख्या 100 तक पहुंच गई है। और महाराष्ट्र से भी करीब करीब 100 से 150 लोग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आ रहे हैं और नागपुर से करीब 200 से 250 लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो 500+ लोगों की या समन भाई बहनों की सुविधा और व्यवस्था हमने कर ली है। तो इतनी बड़ी मीटिंग हमने कर ली है, कुछ बातें ऐसी भी होने वाली कि जिसका सजेशन हमको लगने वाला है। तो ग्रुप में जो भी साथी जुड़ जाते हैं उनको हम ग्रुप में ऐड कर देते हैं। आपके सुझाव, आपके कुछ कोई महत्वपूर्ण अगर बिंदु है तो वो भी हम लोग स्वीकृत करेंगे और ये नागपुर का जो संगीति का जो प्रोग्राम है वो हम सक्सेस करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि आपके सहयोग से ये समन संघ का आज तक का सबसे बड़ा हाउस और आज तक का सबसे बड़ा समन संघ का जो समिट है वो हम लोग सक्सेसफुल करेंगे। जिसके बाद की हमने जो 5 अक्टूबर को जो दीक्षा भूमि का प्रोग्राम होने जा रहा है, उसमें हम लोग 5,000 लोगों का हाउस या 5,000 लोगों का समन संघ का समिट लगाना चाहते हैं, ये कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग आपको कहते हैं। और हम लोग उसके बाद जो दिल्ली का 1,000 स्पोक का जो हाउस लगेगा, उसके लिए भी हम महाराष्ट्र से करीब करीब 25 लोगों ने बुकिंग कर लिया है और आने वाले 20-25 दिन में उसकी संख्या 50 तक भी हो जाएगी। और स्पोक लोग भी हम लोग सोचते हैं कि 100 स्पोक लोग हमारे नागपुर के प्रोग्राम में आएंगे और जहां तक हम कोशिश करते हैं कि दिल्ली के प्रोग्राम में महाराष्ट्र से 100 स्पोक वहां पर सम्मिलित हो जाए, ऐसा हमने टारगेट बना लिया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दिल्ली का जो 15 मई का बुद्ध पूर्णिमा का जो प्रोग्राम है, जो समन संघ की मीट है, उसको भी हम सक्सेस करेंगे। 26 जून का जो चिकित्सक बंधु भाइयों ने और भगिनियों ने जो प्रोग्राम रखा है उसको भी हम सक्सेस करेंगे। और फिर 6 दिसंबर को, 5 दिसंबर को हम लोग मुंबई में एक बहुत बड़ा हाउस लगाना चाहते हैं, जिससे कि बल पर हम लोग इस साल के अंत तक 10,000 लोग हम लोग विद पीपल से जुड़ेंगे, ऐसा टारगेट हम लोग रख सकते हैं। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जिस तरीके से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, जिस तरीके से हम जुड़ने और जोड़ने का जो कारवा जो बढ़ाते जा रहे हैं, निश्चित हम लोग इस लक्ष्य के प्रति हासिल कर लेंगे। और ये हासिल करने के बाद इस देश में हम नई उम्मीद के साथ, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था बुद्धमय भारत का और इस देश को डेमोक्रेटिक और एक राष्ट्र बनाने का, वो निश्चित तौर पर हम लोग ये बात सक्सेस करके रखेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। तो इसीलिए हमको सारी चीजों को भुलाकर हम लोग विद पीपल के साथ खुद को जुड़ना है, साथियों को जोड़ना है, हमारे फैमिली के मेंबर को जोड़ना है और जितने भी परिचित लोग हैं इन दूसरों को सबको एक साथ लाकर एक नया कारवा लाना है। और बाबा साहब ने जैसा कहा है कि मैं इतनी सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं, तो बाबा साहब कहते कि कॉन्स्टिट्यूशन और बुद्ध का धम्म आपके बीच में आशा पैदा कर सकता है, आपको एक होप दे जाएगा, एक आशा अगर निर्माण आपके मन में हो जाएगी
तो आपको कोई भी चीज असंभव नहीं रहेगी। अगर यही चीजों पे अगर हम लोग काम करते जाएंगे तो हम निश्चित जुड़ेंगे, जोड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। धम्मं विसरणं गच्छामि।